अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखसार शहज़ाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के तमाम सियासी रहनुमा सियासी शख्सियात के खिलाफ जाहियत की मजम्मत करें। कनेडियन वजीर आजम का कहना है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। चंद लोग मुल्क में नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं। बैंक ऑफ कनाडा का एक साथ दो बड़े चैलेंजेस से मुकाबला। बैंक ऑफ कनाडा को महंगाई के साथ गलत मालूमात का सामना। बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि नए करेंसी छापने की अफवाहें गलत हैं। टोरंटो की इमदादी तंजीमें भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में। मुकामी खैराती इदारे का कहना है कि आलमी तंजीमों को मिलकर काम करना चाहिए। मुकामी तंजीम का कनेडियन हुकूमत से $50 मिलियन का पाकिस्तान रिलीफ फंड कायम करने का मुतालबा। यूरोप में शदीद खुश्क साली के बाद डैमों का पानी खुश्क होने लगा। अमेरिका में हीट वेव की पेश गोई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने से मना कर दिया गया। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही, बरतानवी रुकन पार्लियामेंट दुनिया पर बरस पड़ी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला को साल मुकम्मल। बगराम एयरबेस पर तालिबान की मिलिट्री परेड। अफगान वजीर आजम का कहना था कि चैलेंजेस के बावजूद कौमी सलामती को यकीनी बनाया। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुल्क के सियासी रहनुमाओं पर जोर दे रहे हैं कि वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जाहियत और धमकी आमेज़ कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुल्क के सियासी रहनुमाओं पर जोर दे रहे हैं कि वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जाहिरियत और धमकी आमेज कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करें, इससे पहले कि मुल्क उन तरीकों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हो जिससे मुंतखब अहदेदार और आवाम महफूज तरीके से बातचीत कर सकते हैं। ट्रूडो ने राइडो हॉल के बाहर नामा निगारों को बताया, हमें वो ताल्लुक रखने के काबिल होने की ज़रूरत है जिस पर हमने हमेशा फ़ख्र किया है। कैनेडियन उन लोगों से क़ुर्बत हासिल करने के काबिल है जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की जारहाना गुंडागर्दी, नफरत से भरे हथकंडे हमें उन आज़ादियों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर रहे हैं जो हमें बतौर मेंबर पार्लियामेंट हासिल थी। ट्रूडो के तबसरे हफ्ते के आखिर में अल्टा के ग्रैंड प्रेरी के सिटी हॉल में एक स्टॉप के दौरान नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड पर जबानी तौर पर इल्ज़ाम लगाने के चंद दिन बाद सामने आए हैं। ट्रूडो ने कहा कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ जाहिरियत के वाक़ात ज़्यादा आम हो जाएंगे, इससे भी बदतर हो सकते हैं अगर सियासी रहनुमा खामोश रहें या उन मुकाबलों की वजह से दुश्मनी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, हमारी जमहूरियत का लहजा, हमारे सियासी मुबाहिसों का लहजा, वो सियासतदान तय करते हैं जिन्हें अपनी कम्यूनिटीज़ की नुमाइंदगी के लिए ओटावा भेजा जाता है। ये वो चीज़ है जिसके खिलाफ तमाम पार्लियामेंटेरियंस और तमाम लीडरों को खड़े होने की ज़रूरत है। ये कहने के लिए नहीं, हम वो जहरीला पोलराइज्ड मुल्क नहीं बनने वाले हैं जो कुछ सोचते हैं कि हमें बन जाना चाहिए। बैंक ऑफ कनाडा जहां मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर रहा है, वहीं उसकी लड़ाई गलत मालूमात के साथ भी जारी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा जहां मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर रहा है, वहीं उसकी लड़ाई गलत मालूमात के साथ भी जारी है। हालिया हफ्तों में मरकजी बैंक आवाम को मईशत पर मशगूल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ये बता रहा है कि अफराते ज़र कैसे काम करता है और अफराते ज़र को अपने 2% हदफ तक वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम इसके ताज़ा तरीन ट्विटर थ्रेड में बैंक इकतसादियात की वजाहत से आगे बढ़ गया और बराह रास्त एक मुश्तरक हमले का सामना किया जो वबाई अमराज के दौरान उसकी पॉलिसी फैसलों के खिलाफ आयद किया गया। बैंक ऑफ कनाडा ने अपने ट्वीट में नोट छापने की तरदीद की, जिसके बाद दावे की तरदीद करते हुए ट्वीट्स का एक सिलसिला शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की महंगाई के बुलंद माहौल और मरकजी बैंक की सियासत की वजह से सामीन की तादाद ज़्यादा हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियन सूद की बढ़ती हुई शरहों और ज़िंदगी की बुलंद कीमत के बारे में फ़िक्रमंद है। इस बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ साथ बैंक ऑफ कनाडा के ऑपरेशंस पर
अदम एतमाद की सतह और एक गलत फहमी भी सामने आई है कि उसने वबाई अमराज के दौरान रकम छापी। मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में बैंक ऑफ कैनेडा मईशत और बैंक के किरदार पर अपने तालीमी प्रोग्रामिंग को वसअत देने का इरादा रखता है। टोरंटो में इमदादी तंजीमें पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने के लिए काम कर रही हैं, जहां गैर मामूली सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इमदादी तंजीमें पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने के लिए काम कर रही हैं, जहां गैर मामूली सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिलीफ फाउंडेशन खैराती इदारा कनाडा में 1984 से काम कर रहा है, एक रजिस्टर्ड खैराती इदारा जो दुनिया के पसमानदा लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए वक्फ है। इस इदारे का मकसद पाकिस्तान के लिए $3 मिलियन के अतियात जमा करना है और उसने तकरीबन 1000 खानदानों को खुराक के पैकेज फराहम किए हैं। IDRF के CEO ने मुकामी मीडिया को बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान समेत सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों का दौरा किया ताकि नुकसान का खुद अंदाजा लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि 8 हफ्तों से मुसलसल बारिश हो चुकी है। उनका कहना था कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आप सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं, जब हम बलूचिस्तान के देही इलाकों में शहरों से गुजरे तो मीलों मील जमीन चपटी थी, जहां मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके थे। खानदान आर्जी पना गाहों में रह रहे हैं। कासिम ने कहा कि बच्चे अपने वालदैन को खो चुके हैं। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, लोगों को खुराक के अदम तहफ़ पीने के साफ पानी तक रसाई की कमी, पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ और रिहाइश ना होने जैसे मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली सिर्फ हमें यहाँ मुतासिर नहीं कर रही, ये उन कम्युनिटीज़ को मुतासिर कर रही है जो इस मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर और हसास और कमज़ोर हैं, और हमें उन्हें याद रखना और उनकी हिमायत जारी रखना है। IDRF कैनेडियन हुकूमत पर जोर दे रहा है कि वो $50 मिलियन का पाकिस्तान रिलीफ फंड कायम करे ताकि इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में मदद की जा सके, जिसमें हंगामी किट्स की फरहमी और तवील मुद्दती तामीर नौ शामिल है। चैरिटी ने पीर को एक न्यूज़ रिलीज में कहा उन बैन अलावी इमदादी तंजीमों को मदद फराहम करके, जिनमें IDIF भी शामिल है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मजबूत कदम रखते हैं, हम इस इंसानी बहरान में कोशिशों को मौसर तरीके से जोड़ सकते हैं। जनूब मगरबी अमेरिका में हीट वेव की पेशगोई की गई है, जबकि यूरोप में शदीद खुश्कसाली के बायस डैमों का पानी खुश्क होने लगा। बरसों पहले पानी में डूबने वाले इलाके मंजर आम पर आने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जनूब मगरबी अमेरिका में हीट वेव की पेशगोई की गई है, जबकि यूरोप में शदीद खुश्कसाली के बायस डैमों का पानी खुश्क होने लगा। बरसों पहले पानी में डूबने वाले इलाके मंजर आम पर आने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हीट वेव के पेश नज़र कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने से मना कर दिया गया, जबकि कैलिफोर्निया ने कुछ रोज़ पहले ही पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां बंद करने का ऐलान किया था। अमेरिकन पब्लिक पावर एसोसिएशन का कहना है कि सार्फीन शाम 4 से रात 9 बजे तक बिजली का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि बिजली की तलब के बायस सिस्टम पर दबाव ज़्यादा है। दूसरी जानिब स्पेन के एक डैम में पानी की सतह कम होने से पूरा गांव उभर कर सामने आ गया, जो कई साल पहले डैम के पानी में डूब चुका था। कदीम गांव के खंडरात सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। गांव के मकानात की दीवारें अपनी जगह कायम है, लेकिन छतें उड़ चुकी हैं। याद रहे कि इससे पहले सर्बिया में दरियाए डेन्यूब का पानी कम होने से दूसरी जंग अजीम के दौरान डूबने वाले जर्मन समंदरी जहाज़ों के मलबे मंजरे आम पर आ गए थे। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट क्लाडिया वेब ने पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही का जिम्मेदार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमारे लालच की कीमत चुका रहा है। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट क्लाडिया वेब ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस आलमी अखराज के सिर्फ 1% हिस्से का जिम्मेदार है, मगर माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान सर फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल है। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का 1 साल मुकम्मल होने पर तालिबान ने बगराम एयरबेस पर मिलिट्री परेड मुनक़द की, जिसमें जंगी हेलीकॉप्टरों, फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर साजो सामान की नुमाइश की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला को 1 साल मुकम्मल हो गया और इस मौके पर तालिबान ने बगराम एयरबेस पर मिलिट्री परेड मुनक़द की। मिलिट्री परेड में जंगी हेलीकॉप्टर्स, फौजी बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर साजो सामान की नुमाइश की गई। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला को 1 साल मुकम्मल होने पर हुक्मरान तालिबान ने मुल्क भर में 31 अगस्त 2022 को आम तातील का ऐलान किया और खुशी मनाते हुए दारुल हुकूमत काबुल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया।
गुज़िश्ता साल 31 अगस्त को अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखिला मुकम्मल हुआ था और अमरीकी फ़ौज दो दहाइयों बाद वापस रवाना हुई थी। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर मिलिट्री परेड हुई, जिसमें अफगान वज़ीर आज़म और काबीना और गैर मुल्की सिफारतकारों ने शिरकत की। मिलिट्री परेड में जंगी हेलीकॉप्टरों, फौजी बख्तर बंद गाड़ियों और दीगर साजो सामान की नुमाइश की गई। इस मौके पर खिताब में अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद का कहना था कि पिछली हुकूमत खत्म होने के बाद अमारत इस्लामी को बुनियादी सहूलियात मैसर ना थी। इसके बावजूद अमारत इस्लामी ने बम धमाकों, कत्लो गारतगरी खत्म करके कौमी सलामती को यकीनी बनाया। उनका कहना था कि गैर मुल्की अफगानिस्तान से जाते हुए सब कुछ अपने साथ ले गए और पाबंदियां लगा दी, जिससे अफगानिस्तान में गुर्बत बढ़ी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।